दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं टेक्निकल संजू भट्ट। आज के टॉपिक में इन्फिनिक्स हॉट 5G फोन के बारे में बताऊंगा और ये वीडियो जो है आप पूरी देखना, ठीक है। यदि आप इन्फिनिक्स का मोबाइल खरीदना चाहते हैं तो ये जानकारी जरूरी होनी जरूरी है, ठीक है, बहुत ही जरूरी है इसकी जानकारी होनी, क्योंकि इन्फिनिक्स में क्या मॉडल आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है, कैमरा कैसे मिल रहा है और मदरबोर्ड जो इसका CPU मिल रहा है, डिमेंसिटी मिल रहा है, क्या मिल रहा है और चार्जर किस हिसाब से मिल रहा है, आपको ये चीज़ें जानकारी होनी ज़रूरी है, ठीक है। जब तक जानकारी नहीं होगी, फ़ोन खरीदने के बाद पछताने पड़ता है, फिर उसके बाद वही सोचते हैं यार हमने फालतू ले लिया। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए आप लोगों को ये वीडियो देखनी ज़रूरी है, ठीक है। इन्फिनिक्स फ़ोन तो अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, क्वालिटी अच्छी है, तो खास इसमें गलत क्या है ये चीज़ जानना ज़रूरी है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को, लेकिन सबसे पहले मैं आप लोगों को यही बताऊंगा कि आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके रख लेना, बेल आइकन प्रेस जरूर कर लेना, ताकि आप लोगों को मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। नोटिफिकेशन मिलेगा तभी तो आप लोग मज़ा ले पाओगे, ठीक है। देखा जाए तो इन्फिनिक्स का जो फ़ोन है बहुत ही अच्छा है, हॉट नाम भी रखा है, और सच बताऊं तो गेमिंग के मामले में इन्फिनिक्स मॉडल ने बहुत ही सबको पीछे छोड़ रखा है। इन्फिनिक्स का मॉडल क्या कहता है, 16 GB रैम प्लस 128 GB रोम, और इसकी प्राइस कितनी है, 12,000 रुपये, बहुत ही सस्ता है, आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा और सस्ता टिकाऊ फ़ोन होने वाला है, ठीक है। देखा जाए तो बैटरी बैकअप जो है इसका बहुत ही अच्छा चलता है, बैटरी बैकअप 5100 mAh का बैटरी बैकअप मिल रहा है भाई, और इसका कैमरे की क्वालिटी जो बात की जाए, कैमरे वाली क्वालिटी, जो कैमरा यानी अच्छा सा फोटो वीडियो शूट करता है ना, ऑडियो वगैरह रिकॉर्ड होती है, वो क्या है HD में है, और 48 MP का कैमरा मिल रहा है, फ्रंट साइड का 8 MP का मिल रहा है, डिमेंसिटी 6300 बढ़ गई है भाई साहब, बहुत ही अच्छी है। और आप लोग ये मत सोचिए इसमें फ्री फायर PUBG इसके अलावा भी आप काम कर सकते हैं, ठीक है, अच्छे अच्छे सॉफ्टवेयर भी डाउनलोड कर सकते हैं, अच्छा सा चलने वाला है, एक टैबलेट के बराबर काम करेगा, एक बोलते नहीं इसका जो सॉरी कंप्यूटर के जैसे, लैपटॉप के जैसे, इस हिसाब से काम करने वाला छोटा सा आपके हाथ में दे दिया गया भाई। देखो सच कहूँ तो चिट्ठी को भी बना के आपके मोबाइल में दे दिया, ये जो लैपटॉप चल रहा है ना, लैपटॉप को समेट के आपको मोबाइल के रूप में दे दिया, टैबलेट जो चलता था उसको भी समेट के आपके मोबाइल के रूप में दे दिया इन्फिनिक्स हॉट में। बहुत ही कमाल का फीचर है, बहुत ही स्मूथ चलता है, और स्क्रीन इसका जो टचिंग होता है, सेंसर होता है, बहुत ज़बरदस्त है, कमाल का है, और ख़ास बात यह है कि आप इसको कितना भी यूज करें गेम खेलने में, जैसे 4 घंटे 3 घंटे 5 घंटे जो भी यूज करते हैं, बिल्कुल भी हॉट नहीं होने वाला, यानी गर्म नहीं होता ये फोन, चलता है इतना, एकदम दौड़ता है, रेस में जैसे घोड़े को दौड़ाया जाता है ना, उस हिसाब से इस फोन को आप दौड़ा सकते हो, बहुत ही अच्छा है। तो हमारे प्यारे ऑडियंस, प्यारे दोस्तों, यदि आप वीडियो देख रहे हैं तो थोड़ा सा लाइक भी कर दिया करो, जब तक लाइक नहीं करते हो तब मुझे भी फीलिंग में मज़ा नहीं आता, और सच बताऊं तो ये फ़ोन जो है अच्छा है, खास है, सब कुछ है, NFC वगैरह, लेकिन इसमें एक चीज़ है जो आपको नहीं मिलती है, ऑडियो जैक, ठीक, ऑडियो जैक आपको नहीं मिलता है, और इसके साथ साथ इसमें जितने सारे फीचर्स यानी एक्स्ट्रा फीचर होते हैं वो इसमें दे दिए जाते हैं, आप अपने मोबाइल को दूसरे फ़ोन पे भी देख सकते हैं इस फ़ोन के ज़रिए, क्योंकि इसका जो CPU है, मदरबोर्ड है, रैम है, ये सब कुछ बढ़ा के दिया गया है, तो ताकि आप जो अदर थर्ड पार्टी का एप्लीकेशन अपलोड करें, डाउनलोड करें, इंस्टॉल करें, तो उससे जो है अपने फ़ोन पे कोई दिक्कत ना हो, तो इसीलिए इसका रैम जो है बढ़ा दिया गया है, पहले 8 था, 8 से फिर 16 कर दिया था, ठीक है, 16 GB रैम, 128 GB स्टोरेज कर दिया है, और अलग से आप जो है एक्सपेंडेबल यानी अलग से मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं 1 TB तक, 1 TB का मतलब होता है
1000 GB तक का आप इसमें जो है मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं। बहुत ही अच्छा है, आप लोगों को चाहिए तो ये फ़ोन खरीद सकते हैं। ज़बरदस्त है, फीचर भी देख सकते हैं। आपको जो ओपन कर रहा हूँ, रिवील कर रहा हूँ, आप लोगों को कैसा लग रहा है ये फ़ोन का? मॉडल भी अच्छा है, लुकिंग भी अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, तो क्यों ना इसे खरीद लिया जाए। खरीदने का मौका है, टाइम है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा रैम दे रहे हैं भाई। रैम का मतलब ये होता है कि आप कोई भी एप्लीकेशन अपलोड करेंगे तो इस फ़ोन जब गर्म नहीं होगा तो आपके फ़ोन में कभी भी आने वाली दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। दिक्कतें तभी आती है, मैं आपको बता देता हूँ, दिक्कत तब आती है जब आपका फ़ोन गर्म होने लगता है, हैंग होने लगता है, तभी से प्रॉब्लम हो जाता है, फिर बैटरी डाउन हो जाती है, बैटरी नहीं चलती है, याद रखना, ठीक है। फ़ोन आपका गर्म हुआ कि बैटरी आपकी डैमेज हुई, ठीक है। तो आप लोगों को यही फ़ोन यूज करना है। यूज क्यों करना है? क्योंकि इसमें जो क्षमता है वो बढ़ाया गया है, ताकि फ़ोन जो है आने वाले समय में 2 साल 3 साल 4 साल कोई दिक्कत ना हो, और 5 साल तक की वारंटी है इसमें, बहुत ही खतरनाक है, यानी कि 5 साल आराम से ये चलेगा, ये फ़ोन जो है इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। वैसे भी आप 2 साल 3 साल यूज करने के बाद जो है फ़ोन को चेंज कर देते हैं, इतना तो आप सब लोगों को मालूम है, सभी लोग जानते हैं कि ज़्यादा नहीं 2 साल 3 साल चल जाए बहुत ही चलता है, 3 साल बाद ऑटोमेटिक कोई ना कोई नया फ़ोन ले ही लिया जाता है, ठीक है। तो ये फ़ोन जो है आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा है। हमारा देखा जाए तो इसमें जो कैमरा का नाइट एंगल होता है, जो रात वाला यानी फ़ोटो खींचते हैं, तो उसमें भी बहुत धुंधलापन आता था, लेकिन इस फ़ोन में वो सुविधा दी गई है जिससे आप क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। रात के अंधेरे में भी आप उजाला करके इसमें देख सकते हैं, और सामने की तरफ भी अच्छी खासी लाइट भी मिल जाती है, बैक साइड भी आराम से इसमें लाइट देखने को मिल जाती है, बहुत ही अच्छा है। और डबल स्क्रीन इसमें कर दिया गया है, जैसे कि फ्रंट साइड बैक साइड दोनों तरफ का आप एक ही कैमरे से देख सकते हैं, तो बहुत ही अच्छा है फीचर, आप लोगों के लिए बहुत सुविधा लायक ये फ़ोन बनाया गया है, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो भविष्य में, ठीक है। तो देखो कुल मिला के बात यह है कि फ़ोन अच्छा है, कोई गड़बड़ी नहीं है, आपको ख़रीदना है तो खरीद सकते हैं, ठीक है। अपने मम्मी पापा फैमिली मेंबर को गिफ्ट कर सकते हैं, फ़ोन में कोई गड़बड़ी नहीं है, और फ़ोन जो है कोई भी चलाए कोई दिक्कत नहीं, चाहे छोटा बच्चा चलाए, चाहे आपके घर में आप खुद चलाएं, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, क्योंकि पबजी वगैरह जिस मोबाइल में पबजी खेला जा सकता है वो मोबाइल होता है काफ़ी यानी मजबूत तगड़ा, जिसे बोलते हैं ज़बरदस्त है फ़ोन भाई वही। और इसका वजन की बात करूँ तो 170 ग्राम का होता है फ़ोन, बहुत ही अच्छा है, ठीक है। डिस्प्ले की बात करी जाए तो 17 सेंटीमीटर का डिस्प्ले मिल जाता है आपको, बहुत ही अच्छा है, लंबाई चौड़ाई भी बहुत ही अच्छी है, दिखने में भी बड़ा अजीब लगता है, यानी हर कलर में मिल जाएगा, वाइट में मिल जाएगा, ब्लू में मिल जाएगा, ग्रीन में मिल जाएगा, ब्लैक में भी मिल जाएगा, 3-4 कलर में, और रेड में भी मिल जाता है आप लोगों को। तो ये फ़ोन आप खरीदना चाहते हैं तो खरीद सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आने वाली, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। तो आप लोगों को ये फ़ोन कैसे लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताना, मैं आपके कमेंट का इंतज़ार करूँगा। अगर फ़ोन अच्छा लगा तो अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना, ताकि इस फ़ोन को देख के अगर ख़रीदने की कोशिश कर रहे हैं 12,000 के अंदर, तो ये फ़ोन खरीद सकते हैं। आपको दुकान पे मिल जाएगा, दुकान पे नहीं मिलेगा तो फ्लिपकार्ट पे मिल जाएगा, फ्लिपकार्ट पे भी नहीं मिला तो अमेज़न पे मिल जाएगा, वैसे तो आपको तीनों जगह पे मिल जाएगा, ऐसा कहीं नहीं कि ये फ़ोन उपलब्ध ना हो, ठीक है, हर जगह मिल जाएगा आपको फ़ोन ये, ठीक है। अगर क्रेडिट कार्ड से लेना चाहते हैं तो 1800 रुपया या 900 रुपया जो भी महीने आप बनते हैं आप पेमेंट कीजिए, आपके अपना ये मोबाइल ले लीजिए, 1000-2000 रुपये दे के अपने जेब में रख लीजिए ये फ़ोन, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ शेयर कर देना हमारे अपने दोस्तों को भी, ताकि उनको ये ख़रीदने में अच्छी हो यानी अच्छा हो। चलिए वीडियो यहीं स्टॉप करते हैं, अगले मिलते हैं अगले वीडियो में।